क्या सुविधा मिलेगा बोला? पहले का बोला है जो पहले मैंने मैं पूछा किसी का, ऐसे का बोला नहीं होता ये, वो भी गलत कमी है। सरकार ने तो महीने महीने देखा है, बोला है तो कब होता है और कहाँ जाके बनाया आपने ये, कहाँ जाके बनाया? बनाया डिपार्टमेंट या कुछ मसल डिपार्टमेंट को नहीं होता है, लेकिन आप लोग भी कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर के भी बना सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ लड़का लड़की लोग बैठा है कंप्यूटर पकड़ के, वहाँ पर भी जाकर बना सकता है। बनाने का पहला कुछ पैसा हो सकता है, कार्ड बनाने का जो नेविगेशन करने का हो तो वो बनाएगा, पहला कागज भी निकल सकता है और कार्ड बनाने का पैसा हो सकता है। सरकार ने तो लिखा है, जो आप लोग जो कार्ड बनाया तो कैसा बनाया, कहाँ बना सकते मालूम हो गया, जो नहीं बनवाया है बनाया है वो लोग आप कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC उसमें लिखा है ना, कॉमन सर्विस सेंटर को लड़का लड़की को करता है ऑथोराइज करके वहाँ में जाइए और बनाइए। इसमें तो सुविधा दिया, हर महीने पैसा देने का तो प्रोविज नहीं मिली, बता नहीं ये पहला सवाल कब होगा। ये ऑल इंडिया में आपको कहीं खो गया, कहीं जगह में पकड़ लिया पुलिस ने, ये सब कार्ड लेने से भी आपको कम से कम पैसा तो मालूम होता है, आधार कार्ड जैसा है, आइडेंटिटी कार्ड लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस जैसा है, जैसे सरकार से प्रदान करने वालों का जैसा है, आपको पहचान का है ना। ये भी बोल इंडिया पहले मैं मणिपुर से आया हूँ, मणिपुर का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लेके आया हूँ कि आप गाड़ी चला सकते हैं, ये भी आपको क्या बोला, अगर दुर्घटना में एक्सीडेंट करके हुआ तो आपको 2,00,000 रुपया मिलेगा। जैसे मैंने प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड बनाने से भी आपको जब दुर्घटना में मर जाए तो 2,00,000 रुपया मिलेगा। अगर मैं नहीं मर गया, आग चला गया, पेड़ चला गया, डिसेबल हो गया, हाँ पार्शियली, वो भी 1,00,000 रुपया नहीं मिलेगा। आप गूगल में जाओगा जाके डाउनलोड कर सकता है, तो ये पहला सुविधा है। आपको 20 रुपये का टेंशन होने से 2,00,000 रुपया मिलता है, और नहीं पड़ा पार्शियली डिस हुआ है तो 1,00,000 रुपया मिलता है। पहला सुविधा नंबर दो क्या सुविधा है, कोई भी सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी श्रमिकों को सहायता देने के लिए कोई स्कीम बनाता है तो वो लोग बोल सकता है कंडीशन में, इस कार्ड होल्डर्स को जो हम अनाउंस करेगा तो इस कार्ड होने वालों को मिलेगा। नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी समय में लड़ाई हो सकता है हमारा देश के ऊपर, भूकंप हो सकता है, वोल्केन हो सकता है, आग हो सकता है, पानी हो सकता है, उसकी वजह से जब नेचुरल कलामिटी होता है तब आपको सरकार अनाउंस कर सकता है कि ई श्रम कार्ड होल्डर्स को हम ऐसा ऐसा रेशन देगा, हाँ खाने पीने की चीज़ देगा, कपड़ा देगा, गेहूँ देगा, आटा देगा, चावल देगा, जब बोलेगा ना ई श्रम कार्ड होल्डर को करके देगा। पहला बाकी जो है बाकी अलग तरह से दिखता है वो सरकार का, लेकिन आप लोग हर महीने पैसा देगा वो तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ जब भी बोलेगा कांग्रेस बोले तो दूसरा प्रोग्राम था श्रमिक ग्रुप को मानी एग्रीकल्चरल वर्कर को एक महीने में 100-200 रुपया करके एक साल के लिए 1,400 रुपये देगा या 1,000 देगा, ऐसा कांग्रेस ने भी शुरू किया, BJP ने भी शुरू किया, वो अलग बात है, वो दूसरा स्कीम वो देता है या नहीं देता है मालूम नहीं। अभी वही बोलता है हमको 2-6 महीने का मिल गया, वो 1 साल मिल गया, अच्छा बोलता है, लेकिन वो गलत है, ये काम भी 6 महीने देने को बता रहा। तो ये सब सारे स्कीम जो है जो भी वर्कर के लिए रखा हुआ है तो प्लीज बता दी, आप लोग को सहायता दे सकता है, एक दिन दोनों दिन कभी पूछताछ करके बोल के रखिए रखिए, और मुझे इस सब का नहीं बताया तो बताओ।
रखो।